हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन टू ए प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के डेटा का बैकअप कैसे ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको आना, नीचे आना है, यहाँ पर आपको सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इस पेज में आपको नीचे बैकअप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इस पेज में आपको सबसे पहले तो ये जीमेल आईडी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है फोन की। फोन की जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे फोटो एंड वीडियो के सामने बॉक्स है, इसमें राइट टिक लगा लेना है। इसके बाद आपको अदर डिवाइस डेटा के नीचे आपको एक बॉक्स है, इसमें भी राइट टिक लगाना है। अब आपको सबसे नीचे कंफर्म का ये ऑप्शन आपको टैप कर देना है। इससे आपके मोबाइल फोन का जितना भी डेटा है ना, उसका सारा का सारा बैकअप आपको मिलने लग जाएगा आपकी जीमेल आईडी पे। ठीक है, यानी कि आपके मोबाइल फोन का डेटा आपकी जीमेल आईडी पे सेव होता रहता है। ठीक है ना, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन का डेटा का बैकअप ले सकते हैं। और देखिए इसका फायदा क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब कभी आप अपने मोबाइल फोन की जो जीमेल आईडी है ना, यहाँ की लिखी हुई, तो उस जीमेल आईडी को अगर आप दूसरे फोन में लॉग इन करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का सारा डेटा आपको दूसरे फोन में दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, आपको अपने फोन का डेटा ट्रांसफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है,